लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के लिए कल 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग होगी। एमपी में तीसरे चरण में 9 सीटों पर मतदान होगा, जबकि छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, बैतूल और राजगढ़ में चुनाव होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा और जांजगीर चांपा में मतदान होगा। एमपी में गुना, राजगढ़ हॉट सीट बनी हुई है। गुना में महाराज हैं, जबकि राजगढ़ में राजा साहिब मैदान में हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में रायपुर और कोरबा हाई प्रोफाइल सीट हैं। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कल तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिग्गजों की साख दांव पर है, बड़ी बड़ी हॉट सीटें तीसरे चरण में हैं, पूरी ताकत सभी पार्टियों द्वारा झोंकी गई है। अब बस कल सुबह का इंतजार है, जब मतदान की शुरुआत हो जाएगी। सुबह से 6 बजे से महाकवरेज आप देखिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। मतदान दल रवाना हो चुका है, पूरी तैयारी है, पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। मतदान दल रवाना हो चुका है, मुरैना, भोपाल, आगरमालवा, शिवपुरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वोटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है, बस कल सुबह का इंतजार है। ये 7 तस्वीरें आप देखिए छत्तीसगढ़ की, जहां पर पूरी तैयारी है, मतदान दल रवाना हो चुका है, पोलिंग बूथ्स पर सभी तरह की व्यवस्थाएं तैयारियां हैं। सुबह का इंतजार जब वोटिंग की शुरुआत होगी। एमपी में 9 सीटों पर कल मतदान होना है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर कल वोटिंग होगी, जिसको लेकर के मतदान दल रवाना हो चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कल सुबह का इंतजार है। कल सुबह वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी और सुबह 6 बजे से महाकवरेज लगातार हमारे चैनल पर जारी रहेगी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश पर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप एक एक अपडेट देखेंगे कि आखिर कैसी व्यवस्थाएं पोलिंग बूथ्स पर, कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्या हाल हैं, क्या जहन में मुद्दे लेकर के मतदाता पहुंच रहे हैं, सभी एक एक चीज पर हमारी नजर बनी रहेगी सुबह 6 बजे से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल तीसरे चरण की वोटिंग होनी है और उसी को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये 7 तस्वीरें आप छत्तीसगढ़ की देख रहे हैं, सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, ये 7 तस्वीरें जहां मतदान दल की तरफ से पूरी तैयारियां, मतदान दल रवाना हो गया और कल सुबह के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, सभी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, कल सुबह का इंतजार है। एमपी में कल तीसरे चरण का मतदान है, जिसके लिए आज पोलिंग पार्टियों के मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। अब इन्हीं मतदान कर्मियों में एक महिला कर्मी इन दिनों चर्चा में है, नाम है डॉक्टर दीपाली शेथे, जिन्हें हरदा में पिंक बूथ पर तैनात किया गया। इनका अंदाज और लुक चर्चा में है, इन्हें पहली बार चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है। हम शासकीय कर्मचारी हैं, तो शासन के अधीनस्थ जो भी हमें सेवाएं दी जाती है, जो भी नियम और रेगुलेशन के अंतर्गत सारे काम किए जाते हैं, हमें शासन ने निर्देश दिए हैं कि हमें मतदान में अपनी सेवाएं देना है, इसलिए आज हम यहाँ ड्यूटी के लिए आए हैं। आपके लुक को लेकर भी चर्चा हो रही है। बस मैं तो भोपाल में कल मतदान होना है और वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल की। अब वोट डालने पर आपको शानदार इनाम मिल सकता है। दरअसल प्रशासन के द्वारा हर बूथ पर मतदान के दिन लकी ड्रॉ खोला जाएगा। सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे लकी ड्रॉ खोला जाएगा। इसमें फ्रिज, मिक्सी, म्यूजिक सिस्टम से लेकर डायमंड रिंग तक का इनाम आप जीत सकते हैं। हम इस वक्त 4 इमली पर हैं और यहाँ पर 210, 211, 212 3 स्पेशल बूथ हैं, इनमें से एक पिंक बूथ है। और लेकिन जो भोपाल ज़िला कलेक्टर की एक विशेष पहल है, उससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं।
दरअसल 3 ड्रॉ होंगे भोपाल में हर बूथ पर, और उसके लिए ये स्पेशल प्राइजेज रखे गए हैं। दिन में 3 ड्रॉ, एक 10 बजे, एक दोपहर में और एक शाम को ड्रॉ निकाला जाएगा। ये स्पेशल विशेष पहल है भोपाल जिला कलेक्टर की। इस पहल में हम और विशेष क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं भोपाल पीआरओ कलेक्टर के। सर, क्या और कैसे ये ड्रॉ आगे बढ़ेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगा, जिला प्रशासन भोपाल की पहल पर पहली बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हमने ये एक अभिनव प्रयोग किया है, जिसमें हम लकी ड्रॉ करने जा रहे हैं। भोपाल के 2097 बूथ पर लकी ड्रॉ निकालेंगे, और ये लकी ड्रॉ 3 बार निकलेगा, सुबह 10 बजे और 2 बजे और शाम को 6 बजे। और सबसे खास बात यह है कि इसमें 100 बम्पर इनाम भी हैं, जो मतदान के बाद हम लोग निकालेंगे। और पहली बार हम पहले मतदान में इस बार 4 जगह पर डायमंड रिंग भी हम लोगों को स्पॉन्सर हुई है, और हम वो इस लकी ड्रॉ में निकालने जाएंगे। जी, प्रोसेस क्या होगी थोड़ा सा ये भी समझाइएगा। एक डायरी आप लिए हुए हैं, ये बताना चाहूँगा कि ये कूपन सभी लोगों को हर बूथ पर मिलने वाला है, जिसमें उनका नाम और मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कूपन बॉक्स भी रखा हुआ है। ये कूपन बॉक्स है, इस कूपन बॉक्स में हम लोग उनका कूपन डलवा लेंगे। हमारे जो 2097 बूथों पर वॉलेंटियर्स और हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं जो इस प्रक्रिया को संपादित कराएंगे। थोड़ा सा ये बताइएगा, बहुत सारे प्राइजेस रखे हुए हैं, ये क्या है इनमें, क्या मतलब एक उत्सुकता ज़रूर होगी हमारी इस रिपोर्ट को देखकर, जो दर्शक है वो ज़रूर जानना चाहेगा। जी, मैं पहले तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारी 5 डायमंड रिंग हमको हमारे बैरागढ़ के लोगों ने दी है। डाइनिंग सेट हैं उसमें, और टीवी हैं, फ्रिज हैं, आप देख सकते हैं, फ्रिज तो हमारे पास उपलब्ध हो गया है, मिक्सी है, और साउंड मास्टर्स के रूप में हमारे पास कराइको सिस्टम्स हैं, और ऐसे हमारे काफ़ी सारे बड़े इनाम हैं, डेजर्ट कूलर हैं, और जो लोग जो हैं जिन्होंने व्यापारियों ने हमें दिए हैं, और ये सब अब भोपाल के मतदाताओं के नाम होने वाले हैं। चलिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपने समझी होंगी कि आखिर ये प्राइजेज भोपाल वासियों के लिए रखा गया, उन लोगों के लिए जो वोट डालेंगे, यानी कि वोट डालने अगर आप आते हैं तो आपकी किस्मत का ताला भी खुल सकता है। ये खास पहल भोपाल जिला प्रशासन की है। कैमरामैन दीपक सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 भोपाल। पिछले 2 चरण में कम मतदान प्रतिशत के बाद कई संस्थानों ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर पहल की। कल 3रे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। भिंड में होटल संचालकों ने वोटरों के लिए खाने पर 10% तक की छूट रखी है, तो वहीं भिंड में व्यापार मेले में झूले पर प्रति टिकट 10 रुपए की छूट दी है। डॉक्टर ने भी अपने प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों को छूट दी है। इसके लिए वोट करने के बाद उंगली पर स्याही दिखानी होगी। ये छूट हमने दी है 7 दिन के लिए, 7 दिन में छूट चलेगी। एक तो मेले के जितने झूले हैं उनको 10 रुपए पर टिकट में कम होगा, सिर्फ मतदान को उंगली दिखाने पर। दूसरा, हमारे व्यापारियों ने भी कई चीजों में छूट कर दी है। हरदा जिले में मतदान के 12 घंटे पहले राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। जिले के कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक प्रतिनिधि रामनिवास पटेल ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। वे समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। रामविलास पटेल की बीजेपी में आने से ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस को नुकसान होगा। बीजेपी ऑफिस में पूर्व मंत्री कमल पटेल और बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल कराया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं के साथ दानिश हिल्स में बैठक की और कहा कि 3रे चरण में बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं। वीडी शर्मा ने कहा कि भोपाल में ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने का संकल्प लिया गया है। ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा और थर्ड और फोर्थ फेज में अच्छा मतदान का प्रतिशत होगा। आप देख रहे हैं जागरूकता कितनी है। मेरे बूथ के सभी लोग बैठ करके तय कर रहे हैं कि कोई भी नहीं छूटेगा, सबको मतदान केंद्र तक हम ले जाएंगे और वोट कराएंगे, यही जागरूकता है। धार लोकसभा सीट जो नेशन वाइड सुर्खियां बटोरती है, क्योंकि यहां के सियासत में होती रही है रिश्तों की जंग। काका भतीजा, पति पत्नी या फिर बुआ भतीजा भी इस सीट से किस्मत आजमा चुके हैं। 2024 में नए चेहरों पर है दारोमदार। देखिए धार में किसकी बहेगी बयार, एक रिपोर्ट देखिए। स-
सियासत की धार, दांव पर लगे रिश्ते, रिश्तेदारों के बीच सियासी जंग। धार की सियासत का रंग भी थोड़ा अजब है। धार रिश्तों के बीच सियासी जंग का रिकॉर्ड बनाता रहा है। कभी एक रिश्ता जीता तो दूसरा हार गया। सबसे दिलचस्प है काका भतीजे के बीच हुई सियासी फाइट, जिसमें राजनीति के नारों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। 1971 में धार में हुए चुनाव में एक जुमला बड़ा फेमस हुआ, कौन ढोल बजाएगा, कौन दिल्ली जाएगा। ये जुमला भारत सिंह चौहान और उनके भतीजे फतेह भानु सिंह के बीच हुई सियासी जंग में खूब चला और काका ने जीत हासिल की। 1980 में भतीजे ने चाचा को हराकर बदला भी ले लिया। दूसरी दिलचस्प कहानी पिता और बेटे से जुड़ी है। पिता सियासी जीत के योद्धा बने, लेकिन बेटा विरोधी से जंग हार गया। बात हर्ष चौहान की, जिन्हें 1998 में कांग्रेस के गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी ने हराया था। हालांकि राजू खेड़ी अब बीजेपी में है। अपने भारत सिंह चौहान ने फतेह भानु चौहान को हराया, तो फतेह भानु चौहान ने भारत सिंह चौहान को हराया। चूंकि इससे में दोनों काका भतीजे थे, एक काका ने कभी भतीजे को हराया, कभी भतीजे ने काका को हराया। धार की सियासत का दिलचस्प रंग, सियासत के मैदान में जीतते हारते रहे रिश्ते। धार में सियासी फाइट का ये रंग भी, पति ने जीत हासिल की, लेकिन जब पत्नी धार सीट से उम्मीदवार बनी तो वो चुनाव हार गई। 1996 में बीजेपी के छतर सिंह दरबार ने दो बार सांसद रहे कांग्रेस के सूरज भानु सिंह सोलंकी को हराया, लेकिन 1999 में जब दरबार की पत्नी हेमलता इस सीट से कैंडिडेट बनी तो वे चुनाव हार गई। यहाँ पर पति पत्नी भी चुनाव लड़े हैं, मौजूदा सांसद छतर सिंह दरबार यहाँ से चुनाव लड़े, इनकी पत्नी ने भी यहाँ से भाग्य आजमाया, लेकिन इस मामले में छतर सिंह दरबार भाग्यशाली रहे। वो तीन लोकसभा लड़े और तीनों में उन्हें विजय प्राप्त हुई, जबकि उनकी पत्नी हेमलता दरबार एक चुनाव लड़ी और उसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक और चुनावी जंग भी चर्चा में रही है, बुआ और भतीजे की। कांग्रेस की कद्दावर नेता रही स्वर्गीय जमुना देवी और उनके भतीजे उमंग सिंघार को भी हार का स्वाद चखना पड़ा। जमुना देवी जो आदिवासी नेत्री थी एक जमाने की, वो भी यहाँ पे लोकसभा लड़ी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनके भतीजे जो भी कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो दो लोकसभा चुनाव लड़े, उन्होंने भी वो जीत नहीं पाए। पिछले चुनावों की बात करें तो 2009 से 2019 में बीजेपी कांग्रेस ने हर बार नए चेहरे पर दांव लगाया। 2024 में भी दोनों पार्टी ने कैंडिडेट रिपीट नहीं किए। 2024 में धार में नए चेहरों के बीच मुकाबला है। बीजेपी से महिला उम्मीदवार सावित्री ठाकुर मैदान में है। सावित्री ठाकुर 2014 में कमल खिला चुकी है। 10 साल बाद पार्टी फिर सावित्री के साथ है। कांग्रेस से युवाओं और आदिवासियों में पैठ रखने वाले राधेश्याम मुवेल दो दो हाथ करने उतरे। आखिर धार में किस पार्टी की बहेगी बयार, करिए 4 जून तक इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। सुशील आनंद शुक्ला ने नोटिस भेजा है, राधिका खेड़ा को मानहानि का नोटिस भेजा है। राधिका खेड़ा को नार्को टेस्ट की चुनौती दी है, नार्को टेस्ट से सच सामने आएगा। ये नोटिस सुशील आनंद शुक्ला के द्वारा, जो घटनाक्रम हुआ, राधिका खेड़ा ने पार्टी छोड़ी, कई तरह के गंभीर आरोप कांग्रेस पर, सुशील आनंद शुक्ला पर लगाए। उसके बाद जवाब में सुशील आनंद शुक्ला ने मानहानि का नोटिस जारी किया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, राधिका खेड़ा को मानहानि का नोटिस, सुशील आनंद शुक्ला कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट हो, सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए, और सुशील आनंद शुक्ला ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और कहा था कि वो राधिका खेड़ा को मानहानि का नोटिस भेजेंगे, और अब उन्होंने मानहानि का नोटिस भेज दिया है और इसके साथ ही चुनौती दी है राधिका खेड़ा को कि वो नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाए। अगर वो सच बोल रही हैं तो दोनों ही नार्को टेस्ट देते हैं और इससे नार्को टेस्ट के जरिए झूठ का झूठ और सच का सच सामने आ जाएगा। और जाहिर तौर पर आप देखना ये है कि राधिका खेड़ा जो है उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है वो संज्ञान मिले, और इस तरह की बातें भी कही जा रही थी कि शायद वो शिकायत कर सकती है। लेकिन उसके पहले अब उनके पास मानहानि का दावा जो है, उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला जो है कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख, उन्होंने ठोक दिया है। तो अब देखना ये होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में आगे क्या होता है। एक बड़ी बात यह है कि अब उन्होंने नार्को टेस्ट की भी चुनौती दी है,
कि आप आइए, जितने एलिगेशन आपने मुझ पर लगाए हैं उसको लेकर नार्को टेस्ट कराते हैं जी। ठीक, बहुत शुक्रिया फिलहाल ममता। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।